गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पार्ट 3। ओके, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एनालिथ्स। दे मे बी एक्वाटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासाइट। इट मीन्स ये सारी फॉर्म में प्रेजेंट मिलता है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री। इट मीन्स इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा ये बायलेटरल इसकी सिमेट्री है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। इट मीन्स क्या हुआ कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इट मीन्स बिल्कुल बराबर, एकदम इक्वली सेगमेंटेड है ये। ओके, और सीलोमेट एनिमल है, यानी सीलोम इसमें प्रेजेंट है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, यानी इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स या फिर मेटामर्स में डिवाइड रहती है। एंड हैंस द फाइलम नेम एनालिथ, और इसीलिए इसका, इस फाइलम का नेम है एनालिथ। लैटिन इसके, अगर लैटिन लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो एनालिथ मीन्स होता है लिटिल रिंग्स। ठीक है, दे पॉजिस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मस्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसमें लॉन्गिट्यूडनली सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्वाटिक एनालिथ्स लाइक नेरिस पॉजिस लेटरल अपेंडेजेस। अब जैसे आप एक्वाटिक फॉर्म अगर देखते हैं उसमें एग्जाम्पल है नेरिस, तो नेरिस में अगर हम देखते हैं तो इसमें लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है जो इसकी किस वर्क, जो इसको किस में हेल्प करती है, स्विमिंग में। ओके, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। नेफ्रीडिया, सिंगुलर वर्ड अगर हम इसका देखें तो वो होगा नेफ्रीडियम, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। न्यूरल सिस्टम में एक गैंग्लिया, एक पेयर है गैंग्लिया का प्रेजेंट है, सिंगुलर वर्ड है गैंग्लियन। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड में ये अटैच्ड रहता है गैंग्लिया। नेरिस एंड एक्वाटिक फॉर्म इज डायोशियस। नेरिस जो है वो एक्वाटिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इट इज डायोशियस, बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोशियस। लेकिन अर्थवॉर्म एंड लीच जो है वो मोनोशियस है। रिप्रोडक्शन इन सेक्चुअल, सेक्चुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है इसमें। एग्जाम्पल है नेरिस, पेरिटिमा जिसको हम अर्थवॉर्म भी बोलते हैं, एंड हिरुडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच। नेक्स्ट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। इट्स इम्पॉर्टेंट फाइलम बेटा। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। इसमें किसको हम, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सबको इसमें इंक्लूड करते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। यानी जितनी भी स्पीशीज हैं यहाँ अभी प्रेजेंट है अर्थ पर, उसका 2/3 पार्ट जो है वो आर्थ्रोपोड्स ही हैं। दे आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसकी बॉडी पर, इसकी बॉडी जो होती है वो कवर रहती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड इसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस, इसीलिए इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स के थ्रू, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ओपन टाइप का होता है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स वेनलेस, डक्टलेस। ओके, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आई, कंपाउंड और सिंपल, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। इसका मतलब इसमें सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो एंटीना की फॉर्म में हैं, आइज होती हैं इसमें, कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, स्टेटोसिस्ट या फिर जिसे हम बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है जो इसकी बॉडी को बैलेंस करता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मैल्पिगियन ट्यूब्स। ये इसका एक यूनिक फीचर है बेटा। आर्थ्रोपोड्स में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। दे आर मोस्टली डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपैरस, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मोस्टली ओविपैरस होते हैं, डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो एपिस, जिसे हम हनी बी भी बोलते हैं, बॉम्बैक्स जिसे सिल्क वर्म बोल रहे हैं, और लेसिफर जिसे लैक इंसेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज वैक्टर। एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, तो वैक्टर क्या है, एनाफिलिस,
क्यूलेक्स एंड एडीज जो कि मॉस्किटोज की स्पीशीज हैं. ओके, ग्रेगरियस पेस्ट ये क्या है, लस्कुटा या फिर लोकस्ट, ये इसके एग्जांपल हैं. लिविंग फॉसिल है लाइमुलस, जिसे हम किंग क्रैब भी कहते हैं, वो लिविंग फॉसिल है. ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि विच ऑफ द एमसीक्यूज में आता है, विच ऑफ द लिविंग फॉसिल, उसमें ये आता है लिमिलस, ये आप लर्न कर लेना अच्छे से. ओके, नेक्स्ट इज फाइलम मॉलस्क. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. मॉलस्क आर टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में प्रेजेंट मिलते हैं. हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल. बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हैम. देखिए अब इसका एक यूनिक फीचर क्या है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सीरियस शेल, यानी ये कैल्सीरियस शेल से इसकी बॉडी कवर रहती है जो अनसेगमेंटेड होती है और थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर फूट और वेसिलर हम. ओके, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द वस्कुलर विसरल हैम. विसरल हैम के ऊपर एक स्किन की थिन लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं, जो पूरे मेंटल पर प्रेजेंट होती है. द स्पेस बिटवीन द हम एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी. और मेंटल और हम के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी. इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिस पर की फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं. दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फंक्शन. द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, यानी इसके एंटीरियर हेड पर, हेड रीजन पर सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पाइंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, इसमें रेडुला प्रेजेंट है जो फीडिंग का वर्क करता है. नेक्स्ट इज दे आर यूजुअली डायोशियस, ये डायोशियस होते हैं एंड ओविपेरस हैं विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इट मीन्स इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है. एग्जाम्पल है पाइला, एप्पल स्नेल जिसे हम बोलते हैं, पिक्टेडा जिसे हम पर्ल ऑस्ट्रल कहते हैं, ऑस्ट्रे कहते हैं, सेपिया, कैटल फिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एफाइसिया, सी हेयर एंड डेंटलियम, टस्क शेल एंड कीटोप्लिया कीटोन का. ओके, नेक्स्ट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा. दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सीरियस कैल्केरियस ऑसिकल एंड हैंस द नेम इकाइनोडर्मेटा. स्पाइनी बोन्स फिगर इसमें 4.14 में आपको इसका पिक्चर भी दिया हुआ है. ओके, इकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी बोन, ये याद रखना, जितने भी स्पाइनी बोनी स्ट्रक्चर वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इकाइनोडर्मेटास में आते हैं. ऑल द मैराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. अडल्ट होता है तब तो ये रेडियली सिमेट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं, और जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं. दे आर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीलोमेट एनिमल होते हैं ये. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड, यानी इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया इसमें माउथ और एनस दोनों अलग अलग हैं, एक ही होल नहीं है, दो अलग अलग हैं, और जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है और एनस अपर साइड पर प्रेजेंट होता है. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम. इसका एक यूनिक फीचर है, इसमें वाटर वास्कुलर प्रेजेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. ये किस किस में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में, कैप्चर करने में एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में. एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल टाइप का है. फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लावा, यानी इसमें जो इसका फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है, इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल है एस्टेरिया जिसे स्टारफिश भी बोलते हैं, इकाइनस जिसे सी ऑर्चिन भी बोलते हैं, एंटीडॉन जिसे हम सी लिली भी बोलते हैं, कुकुमेरिया जिसे सी कुकुम्बर भी बोलते हैं,
ओप्यूरा, जिसे हम बीटल स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। इसे हम कॉर्डेटा के सब फाइलम की फॉर्म में पहले पढ़ते थे, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम। अब इसे एक सेपरेट फाइलम में रख दिया है अंडर नॉन कॉर्डेट के जो अंडर में ही है। ओके, हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। इसमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कॉलर रीजन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड। और स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ओके, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल। ये वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल हैं, इसमें प्रेजेंट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेटिक एनिमल्स। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है एंड इज कम्पोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। ओके, तीन पार्ट में डिवाइड है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्स आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इन इनडायरेक्ट। ये सारे इसके फीचर्स हैं। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसम और सेकोग्लॉसम। ओके, नेक्स्ट इज फाइलम क्वाड्रेटा। क्वाड्रेटा एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम क्वाड्रेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये इनकी सबसे यूनिक फीचर क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरिंगजियल गिल स्लेट इसके अंदर प्रेजेंट है। दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पॉसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब इसमें एक टेबल है बेटा, वो हम देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेट एंड नॉन क्वाड्रेट। अब इस टेबल में कंपैरिजन बताया, क्वाड्रेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जबकि नॉन क्वाड्रेट्स में एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल, जबकि नॉन क्वाड्रेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लेट आर एब्सेंट। ओके, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो। अ पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, क्वाड्रेट्स में पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। ओके।